दोस्तों आपने टाइटल तो देखा ही होगा, जब दोस्त ने खंजर मारा, हमारा टाइटल, और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। एक्चुअली मैंने ये बात क्यों कही, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आप ये वीडियो देखने आए हैं क्यूनेट की वजह से, कि दोस्त ने खंजर मारा। मतलब क्यूनेट एक तरह का एक कंपनी है, एक तरह से कहा जाए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और टोटल जानकारी आपको दूंगा। इसमें मैंने अपने इसी चैनल पे, मैंने इस चैनल को इसीलिए खोल के ही रखा है इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए। आप मेरे चैनल पे अभी और सारी वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं क्यूनेट के बारे में। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको क्यूनेट की बहुत सारी वीडियो भी आएंगी, दूसरे लोगों की भी आएंगी, तो आप सबको देख के आप पूरी जानकारी लीजिए। आपको इस वीडियो में, मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ, आप उसको पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा कि क्या है क्या नहीं, और आप पूरा देखने के बाद ही इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इस जो ये जो चीजें हैं, ये जो फ्रॉड होता है क्यूनेट का, क्यूवन ग्रुप कंपनी का, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहला चीज तो इस पे इतनी FIR दर्ज है, इतने लोगों ने FIR कराई है कि पूछिए मत, और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। इसमें दोस्त जो होते हैं ना, आपके खास दोस्त, वही आपके साथ घात करते हैं, आपको पीछे से छुरा मारते हैं, वही लोग इस चीज को अंजाम देते हैं। एकदम खास जो आपके जिगरी, जिसको आप पूरा भरोसा हो, भरोसे के नाम पे लोग आपकी भरोसे की हत्या कर देते हैं। ये लोग आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि भाई तू मेरे भरोसे पे, इन लोग पैसे की डिमांड करेंगे इस कंपनी में। इनकी एक फीस होती है इस कंपनी में जाने की, कि हमारी इतनी फीस है इस कंपनी में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम बिजनेस, एक बार पैसा लगाओ हमेशा कमाओ। ये लोग बताएंगे आपको बिजनेस मॉडल अपना, बताएंगे कि हमारा ये बिजनेस मॉडल है, आपको आप क्या करते हो, जॉब करते हो, जॉब तो बहुत कचरा काम है, आप जॉब करते हो। दूसरी चीज बताएंगे कि अगर आप बिजनेस कोई छोटा मोटा करते हो, ये तो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारा नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, MLM करते हैं। तो MLM मतलब ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट बिजनेस सेलिंग का मतलब क्या होता है, हम कुछ सामान को बना रहे हैं, डायरेक्ट उसको सेलिंग करते रहे, यहाँ बना रहे डायरेक्ट सेलिंग करते रहे, ये लोग का तो वैसा काम ही। ये लोग डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं कि मतलब बिना एडवर्टाइज के आप सेलिंग करते रहे, इसको डायरेक्ट सेलिंग ये लोग बोलते हैं, ये Q1 ग्रुप, ये क्यूनेट वाला। ये लोग के क्या होता है कि अपना एक खुद की कंपनी, जो इनकी कंपनी, इनकी खुद की एक वेबसाइट होती है, सबको बाकायदा जो जो Q1 में काम कर उनकी वेबसाइट दी जाती है, इतना उसमें बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचवाने के लिए, कि आप इसको सेलिंग कराओ। अब सेलिंग कैसे कराना है, सेलिंग कराना ऐसे है कि जैसे कि जो सामान 500 का है उसका रेट होगा उसमें 5,000, 10,000, 25,000, ऐसा रेट होता है 500 के सामान का। कोई कोई मान के चलिए कोई घड़ी है रोलेक्स, वो 2 लाख की है, इनका रोलेक्स से भी बढ़िया घड़ी है और उसकी जो कीमत है मात्र 75,000 है, लेकिन वो घड़ी मुश्किल से 5,000 की भी रेंज की नहीं होगी, उसका रेट 75,000 पहुंचा देंगे। इस प्रकार से इनकी वेबसाइट, केवल ये चीज इनकी वेबसाइट पे ही इनकी लिस्टेड है। अब वो तो हमारा भी है, हमारा दुकान है, अपने दुकान में कोई भी सामान के प्रोडक्ट पे कोई भी रेट छपवा दे, चाहे उसका 1 लाख छपवा दे, हाँ सामान हो 1 रुपए का, वो तो हमारा ऊपर डिपेंड करता है, तो वो चीजें इनकी होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये लोग जो अपने कंपनी को ये लोग चलाते हैं ना, तो ये लोग पहले क्या करते हैं कि जितने भी लोग इसमें जुड़े होते हैं उनको बकायदा इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे लोगों को इसमें उलझाना है, कैसे उनका पैसा इसमें डालना है, और इसी पैसे से लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी से कोई सस्ता सामान खरीदते हैं और उसको अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हैं, और लिस्ट करके वहां पे उसका मतलब रेट का एकदम डबल तिबल करके, उसके बाद आपको आपका जो पैसा इसमें लग जाएगा, पैसा कैसे लगता है वो सब मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, पूरी जानकारी दी है। अब आगे का मैं ये बताना हूँ, जब आपका पैसा लग जाता है इसमें और आप जब इसमें काम करने लगते हो, तो आपको क्या मतलब फालतू कापी के पैसे से आपको फालतू की सामान दे देंगे। अब आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आपको 10,000 के घड़ी की जगह पे आपको उसका 50,000 में घड़ी दे देंगे, 50,000 आपका गया, सामान लिस्ट आ गया, 50,000 घड़ी आपको गिफ्ट दिए हैं। मतलब ये चीज आप इसमें हो गए हो, काम करने लगे हो, तो उसके लिए आपका एक मतलब एक बैच है, जो टाई लटकाते ना उस प्रकार का बैच है, उस प्रकार से लोग दे देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि ये लोग उसके बाद से आपको कोई ट्रिप दे देंगे, शिमला मतलब बहुत जगहों का ट्रिप होता है इनका, पता नहीं कहाँ कहाँ, मलेशिया वगैरह, सबसे ज्यादा मलेशिया जाते हैं, ट्रिप दे देंगे, जाओ वहां पे ट्रिप घूमने के लिए। उसके बाद से जब आप इसमें काम करने लगोगे, जब ये सब झेल लिए, पैसा डूब गया, काम कर रहे हो आप मजबूरी में पैसा निकालने के लिए, तो अब आपको भी वही काम दिया जाएगा, अपने दोस्तों को, रिलेशन को, अपने फैमिली को इसमें डालो, उनका भी पैसा इसमें लगाओ, आपका भी 15-20 हजार जो भी कमीशन बन जाए,
और उसके बाद से कमीशन बनने के बाद से आप अपने ही पैसे से आपको ये लोग होटल में ले जाएंगे, पर्सनालिटी दिखाएंगे कि मतलब पर्सनालिटी दिखाओ ताकि लोग आपको देख के आप फिर मतलब इसमें आए, आपके जैसे ही चीजों को करें। तो ये सब चीजें भी ये लोग अपने कराते हैं। और ये क्यूएन जो होता है ना, ये क्यूनेट जो होता है, क्यूनेट मतलब इतनी बड़ी फ्रॉड है कि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि आज अभी मतलब ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इस वक्त, अब समझ लीजिए कि वीडियो बनाते भर में भी कई लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस तरह से जिस तरह से जन्म का रफ्तार बढ़ता है उस तरह से लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि इससे बच के रहना है। अब बचने के लिए तो सबसे बड़ी चीज की आपको जानकारी हो तब तो आप बचे, आपके पास जानकारी नहीं होती, आपको बताते ही नहीं है लोग कि क्या है जब तक आप पैसा दे ना दे। आप पैसा देने के बाद आप फंस जाते हो। तो अब आपको पैसा निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो प्यार से, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी चीज बताया था, प्यार से आपको करना है, नहीं तो आपको जबरदस्ती, अब जबरदस्ती का मतलब आप जाइए गाड़ी गाड़ी भी देके क्या कर सकते, गाली हो कुछ भी कोई फायदा नहीं है आपको। बस उनके घर जाके उनको मतलब जब तक पैसा दे नहीं तब तक छोड़ना ही नहीं है भाई, मेरा पैसा किसी हालत में दे दे मतलब दे, मेरे को चाहिए चाहिए, इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ही ये लोग कुछ करेंगे, पैसा दे पाएंगे। इन लोग का ऐसा आदत है। और अगर आप जान भी जाते हो ना, आप जान जाओगे इस चीज के बारे में कि ये सब चीज कर रहे हैं लोग, तब भी आपका मतलब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तब भी आपको एकदम ब्रेन वॉश करने के लिए आपको एक मीटिंग करना पड़ेगा, फाइल इतना प्रोसेस ये ऐसा वैसा होगा, इससे अच्छा इससे पहले ही आप पैसा इतना से ज्यादा कमा लोगे, आप मत ऐसा करो वैसा, इतना मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से बदल जाओ, फिर से अपना डिसीजन चेंज कर दो। लेकिन आप इतना याद रख लीजिए, अगर जो फंस चुका है वो कभी भी उनकी बातों के भरोसा मत करिए, तो मत करिए। आप अपना जो काम कर रहे हो आप अपना भविष्य देखो, लॉन्ग टाइम पैसा कहाँ से आएगा। आपने देखा होगा शेयर मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट आदमी को एकदम आसमान पहुंचा देता है, लेकिन वो भी क्या अचानक से नहीं पहुंचा देता, उसमें भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टाइम में कोई कभी अमीर नहीं होता है, लॉन्ग टाइम में ही होता है कोई भी। तो आप इस चीज को गलतफहमी में मत रखिए कि एक बार में पैसा कमाए तुरंत 1 महीने में एकदम थी बन गए, तो वो सब चक्कर में मत पड़िए। जो कर रहे हैं धीरे धीरे करिए, उसी को इम्प्रूव करिए। आपको जिस चीज में अच्छा लगता है, जो चीज, आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मैं जल्दी से जल्दी कैसे क्या करूं पैसा कमाऊं, ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो यही होगा। ज्यादा दिमाग, इसीलिए कहा जाता है ज्यादा दिमाग मत चलाइए, अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर फंस चुके हैं तो आप बाहर निकल जाइए तुरंत के तुरंत। और अगर आप नहीं निकल, बहुत सारे लोग हैं जो इनको मजा आ रहा है, कर रहे हैं, फंसा रहे हैं लोगों को, दोस्त यार को, लेकिन क्या करोगे, रिलेशन खराब होगा उनका, तो पैसा बन रहा है, वो तो खुद फंस चुके हैं, अपना पैसा खुद निकालने के चक्कर में कैसे मैं पैसा निकालूं, और निकालते निकालते बहुत गहराई में चले जाते हैं लोग। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन सब चीजों से बच के रहिए। और अपने, अगर आप ये वीडियो जो जो लोग भी मेरे देख रहे हैं उन सब में से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने जिस तरह से भी हो सके लोगों को इस चीज के बारे में बताएं, ताकि लोग इन सब चीजों से जागरूक हों और ये सब चीजें मतलब होते हुए देखें तो उनको इस चीज की अवेयरनेस रहे। तो बस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा, और आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा।